है कि सब लोगों ने शपथ लिया है, विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ है। और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना लिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में समाज सुधार का अभियान चला रहे हैं। आपको बताएं कि 22 दिसंबर से 15 जनवरी तक बिहार के विभिन्न जिलों में जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे सामाजिक कुरीतियों के प्रति, शराब के प्रति। लेकिन आपको बताते चलें कि उनके ही दल के एक मजबूत साथी हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, जो सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना शराबबंदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि डॉक्टर जिस तरह दवा देता है उस तरह शराब का सेवन किया करें, पुलिस को एक बोतल के साथ कोई पकड़ा जाए तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। लगातार उनके बयान जो है शराबबंदी को लेकर ऐसे आते हैं जिससे सरकार जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाती है। आज जनता दरबार का दिन था और मुख्यमंत्री से इसी को लेकर प्रश्न किया गया, तो सुनिए मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया। सर, जैसे आप समाज सुधार अभियान में लग रहे हैं, वहीं आपके घटक दल के नेता लोग एक तरफ बोलते हैं कि 10 बजे के बाद सब लोग करो, अगर शराबबंदी की बात की जाए तो। हाँ, सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता देते हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री वो रहे हैं यहाँ है, हम बता देना चाहते हैं कि सब लोगों ने शपथ लिया विधानसभा और विधान परिषद सर्वसम्मति से पारित हुआ। और इसके बाद अभी जो पिछले महीने 26 तारीख को जो हमने कार्यक्रम किया, तो उस कार्यक्रम में तो आपने देखा नहीं कि सब लोगों ने कितना लिया, सरकारी अधिकारी और पूरे बिहार में सब लोगों ने फिर से शपथ लिया चारों तरफ। और फिर जब हम लोग मीटिंग कर रहे थे, जो भी एनडीए की मीटिंग हो रही थी, उस एनडीए की मीटिंग में भी हमने कहा कि भाई सब लोग फिर से संकल्प, सब लोग हाथ उठा करके फिर संकल्प किए। और उसी में से कोई कुछ बोलते हैं तो विचित्र बात है, कहिएगा तो फोटो देख लीजिएगा सर, इसी से लोग फोटो सब सर इसी से जुड़ा हुआ सब का हुआ, सब हाथ उठाए अखबार में छपा, अखबार में छपा, तो उसके बाद कहीं कुछ बोलना है, हम इस सब पर कमेंट नहीं करते। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, कहेंगे कि भाई इन सब चीज़ों पर कुछ बोलना उचित नहीं है और बिल्कुल सब लोगों को कॉन्शस करिए, जागरूक करिए और उसके लिए लोगों को करना, और हम बराबर कह रहे हैं। इसी पर जाएंगे फिर हम लोगों को बताएंगे कि आप जरा बताइए कि किस तरह से शराब पीने से कितना खतरा होता है आदमी के स्वास्थ्य का, हम प्रचार करेंगे। लेकिन हम तो बराबर कहते हैं ना कि कुछ लोग तो आप जितना बढ़िया काम करिए सब उसको स्वीकार नहीं कर सकता, वो 10% के अंदर होता है, वो 1% 2% 5% इधर उधर गड़बड़ करने वाला अलग अलग काम करता है, तो उसके लिए कोई कर सकता, लोग तो चाहेंगे सबको जागरूक करने का। सर, आप अभियान पर भी निकल रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं, रोज जितनी शिद्दत से आप शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हुए हैं उतने ही शिद्दत से लग रहा है कि शराब के कारोबारी इसको असफल करने में लगे हुए हैं। आप जाते हैं डीएमसीएच में समीक्षा बैठक करके निकलते हैं, अगले दिन कार्टून की कार्टून गाड़ी जब्त होती है शराब की, तो विधानसभा हो, सेक्रेटरिएट हो या मुजफ्फरपुर, इस तरीके के आखिर लोग कौन है सर? आप इतनी समीक्षा कर रहे हैं, आप हम बता रहे हैं, कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, लेकिन लोगों को तो हम लोग सजग कर ही रहे हैं ना, और चारों तरफ हम देख रहे हैं ना कहाँ कहाँ पकड़ा रहे हैं, हम तो बराबर कह देते हैं अधिकारी कि राजधानी है पटना, और यहाँ पर तो पूरा ध्यान दोगे तभी ठीक है, और यहाँ पर ध्यान कम दोगे तो नहीं होगा पूरा ठीक। इसलिए सबको कहते ही रहते हैं एक एक चीज़ को देखिए, लेकिन कितना भी करिए उसके खिलाफ तो कुछ लोग रहता ही ना है, और तरह तरह की बात करेंगे, कहीं कुछ हो गया तो उसी को लेकर के कुछ बोलेगा, तो जो मन करे बोले भाई, हम लोगों का उद्देश्य दूसरा। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि शपथ ग्रहण हुआ था, कसमें खाई थी सारे लोगों ने, जितने भी कर्मचारी हैं विधानसभा या विधान परिषद के जितने भी मेंबर हैं सभी ने शपथ लिया था, ऐसे में सबकी जिम्मेवारी है कि वो शराबबंदी का सपोर्ट करें, इसका पालन कराएं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस पर कोई भी बयान देना नहीं चाहता हूं कि कौन क्या बोला। तो एक तरह से उन्होंने याद दिलाया पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को कि आपने विधानसभा में शपथ लिया था कि शराब न पिएंगे, न किसी को पीने के लिए प्रेरित करेंगे और न ही इसके तस्करी को बढ़ावा देंगे, कहें तो शराबबंदी का पूर्ण समर्थन करेंगे। तो याद दिलाया गया, आप देखने वाली बात है कि मांझी जो है
इस शपथ को कितने दिनों तक फिर से याद रखते हैं या फिर उनके बोल जो हैं सरकार को फिर से टेंशन देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।